Assalamualaikum everybody, this is Talha from talhareviews YouTube channel. Guys, Infinix का एक नया नवेला स्मार्टफोन जो कि बहुत जल्द आने वाला है. एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अब जो आने वाले दो महीने हैं ना, इन दो महीनों में Infinix एंड टेक्नो की ऑलमोस्ट बहुत सारी डिवाइसेज आने वाली हैं और कुछ तो बस आने ही वाली हैं. सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे Infinix के एक अपकमिंग फ़ोन के बारे में जो कि मतलब कि ऑलमोस्ट 95% कन्फर्म कर दिया गया है. यस, उसके स्पेक्स, उसकी पिक्चर्स, सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं और ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है. एक चीज़ अगर आपको याद है, Infinix 0X वो एक कंसेप्ट फ़ोन था उनका, लेकिन जो रियल वाला 0X है वो आ रहा है. लाइक Infinix का जो 08 है, 8 सीरीज़ थी वो थी, लेकिन 9 नहीं आने वाली. तो 010 जो सीरीज़ है, ये उनमें से एक फ़ोन होने वाला है जिसको फ़िलहाल के लिए 0X ही कहा जा रहा है. और इसमें दो मॉडल्स होंगे, 0X एंड X Pro वाला. सो आज की वीडियो में बात करते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इसी फ़ोन के बारे में. आई होप कि आपको वीडियो चलेगा, फ़ोन भी काफ़ी एक्साइटेड है. सो इस वीडियो को एंड तक देखना. और एक चीज़ बोलूँगा कि ये वीडियो क्वालिटी कैसी है बताओ मुझे, क्योंकि आज मैं अपने कैमरा को डिफ़ॉल्ट मोड ऑटो मोड पर यूज़ कर रहा हूँ. इस पर मेरी कोई सेटिंग्स नहीं है और मुझे नहीं पता है कि ये कैसा वर्क करेगा. सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे. लेकिन उससे पहले चैनल पहली बार आए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जाकर ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियोज की सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ. सो भाई, लेट्स बिगिन. गाइस, सबसे पहले फ़ोन की डिज़ाइन की बात करते हैं, Infinix 0X की. सो ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये डिज़ाइन इंस्पायर्ड है ओप्पो से. आपको पता है कि ओप्पो की रेनो सीरीज़ में ये ग्लो वाले डिज़ाइन आते हैं. खैर, ये ब्लैक कलर में आपको एक शाइनी सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है जिसमें आपको छोटे छोटे स्टार्स वगैरह नज़र आ रहे हैं. लाइक एक शाइनी सा डिज़ाइन होगा, आने पर देखते हैं कि किस तरीके का होगा. बाकी बैक वगैरह आपको पता है कि प्लास्टिक की ही होगी और बॉटम पर जो है वो Infinix की ब्रांडिंग है. और कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा चेंज किया गया है. लाइक वीवो के कैमरा मॉड्यूल जो होते हैं वो बैक के कुछ इस तरीके के होते हैं. एंड अगर बात करूँ गाइज इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, आप इस पिक्चर को दोबारा गौर से देखें, यहां पर कहीं पे भी आपको जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर नजर नहीं आएगा, ना ही बैक और ना ही साइड माउंटेड, बिकॉज इस फोन में आता है एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले. यस, आई एम राइट. ये सबसे ज्यादा एक्साइटेड चीज होने वाली है कि इस स्मार्टफोन में, Infinix के फोन में, और ऑलमोस्ट यही 30-40 हज़ार के बजट में आने वाला है, इसमें आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है. ये चीज काफी ज्यादा एक्साइटेड होगी कि Infinix के फोन में सुपर एमोलेड, और ये फोन जो है वो बजट में ही आएगा, लाइक 30-40 हज़ार में आने वाला है. सो डिस्प्ले की बात करूं, 6.7 इंचेस का डिस्प्ले होगा, सुपर एमोलेड डिस्प्ले. उसी के साथ में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है. यस, जो पंच होल होगा उसको भी इस बार छोटा किया गया है. और मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैं यही बोलूंगा कि ये जो डिस्प्ले होने वाला है, ये जो Redmi Note 10 Pro में यूज किया गया है, ये वही डिस्प्ले होने वाला है, बिकॉज साइज सेम है, सुपर एमोलेड है, 120 हर्ट्ज है, ये सारी चीजें उसी में आ रही हैं. होप्स हो कि वही वाला यूज किया जाए, इनका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो उनके साथ. बट हां, एक अच्छा डिस्प्ले होने वाला है. फिलहाल के लिए प्रोटेक्शन वगैरह या ब्राइटनेस लेवल वगैरह कंफर्म नहीं है, लेकिन हाँ, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज है. लाइक क्वालिटी वगैरह काफी ज्यादा बेहतरीन निकल कर आने वाली है, सॉलिड निकल कर आने वाली है, जो कलर्स वगैरह ये प्रोड्यूस करेगा. सो देखते हैं भाई आने पर कि Infinix इस चीज में कैसा वर्क करता है. डिजाइन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. कैमराज की बात करूं, फ्रंट पे आपको जो है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी मिलेगा. एंड अगर बैक की बात करूं, अभी के लिए जो है वो बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल का ही बताया जा रहा है. बाकी के जो सेंसर्स हैं, आपको पता है कि Infinix हर बार ऐसे करता है, अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा, उसके बाद 2 का मैक्रो 2 का डेप्थ सेंसर, यही सीन होने वाला है. और कैमरा क्वालिटी आपको पता है कि Infinix कैसी प्रोवाइड करता है. लेट्स सी ये भी क्या कुछ नया इंप्रूव करते हैं, बाकी आने पर पता चलेगा. लेकिन अगर बात करूँ फोन में मेमोरी वेरियंट्स की, यहाँ पर आपको 2 ही वेरियंट्स मिलने वाले हैं, 8 GB 128 GB 8 GB 256 GB, जो कि आजकल इन्होंने ट्रेंड स्टार्ट किया हुआ मार्केट में. एंड अगर बात करूँ गाइस प्रोसेसर की, बिकॉज प्रोसेसर इज मेन थिंग. और यहाँ पर आपको अगर नहीं पता तो मैं बता कि मीडिया टेक ने हाल ही में जो है वो एक सीरीज अनाउंस की थी जो कि G96 सीरीज आ रही है, जो कि G95 का सक्सेसर होने वाला है. और ये प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में आएगा, और ये जो प्रोसेसर है इसमें, और यहां पर ये चीज भी कंफर्म होती है हमें कि ये जो G96 है ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है. यस, लाइक ये काफी अच्छा प्रोसेसर होगा. लेकिन होप्स हो कि इस बार ये जो प्रोसेसर है ये 60 FPS की गेमिंग को सपोर्ट करे, आई मीन स्मूथ विद जो है वो एक्सट्रीम तक जा सके. लेट्स सी Infinix क्या वर्क करता है इस पर, लेकिन हाँ, आने पर ही पता चलेगा. बाकी जायरो वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा हार्डवेयर बेस. एंड अगर बात की जाए गाइस स्मार्टफोन की बैटरी की, बैटरी 5000 mAh की है, वही 33 वोल्ट की आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी. लाइक यहां पर अपग्रेड्स क्या है, डिजाइन में अपग्रेड किया गया है, और खासतौर पर एक सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, और उसके बाद जो नया प्रोसेसर आ रहा है. सो ये है भाई कुछ 0X वगैरह की लीक्स एंड जो चीजें निकल कर आ रही हैं. और ऑलमोस्ट 96% 95% ये चीजें कंफर्म्ड है, और ऐसे ही होता है. लाइक आने से पहले जो है वो एक महीना पहले लीक्स आ जाते हैं, और उसके बाद फोन भी आ ही जाता है. जब मैंने आपको Note 10 Pro का बताया था Infinix
कोई नहीं था मानता, आज वो मेरा पर्सनल फ़ोन है। सो यही सीन है इसका, आप वेट करें, ये बहुत जल्द आने वाला है। अभी के लिए ये मंथ स्टार्ट हो चुका है, सो होप्स हो कि इस मंथ के लास्ट तक कुछ ना कुछ न्यूज़ वगैरह आ जाएँ कि ये फ़ोन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट या फिर मिड के राउंड जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। और भाई टेक्नो की कैमन 18 सीरीज़ आने वाली है, बिकॉज कैमन 17 प्रो कहीं भी नहीं आया, सो वो भी आने वाला है। उसके बाद और भी काफ़ी सारे इनके एक्साइटेड स्मार्टफोन्स आने वाले हैं, और देखते हैं भाई क्या बनता है। क्या आप एक्साइटेड हैं इन ब्रांड्स को लेकर, टेक्नो इन्फिनिक्स को? बाकी यहाँ पर अच्छा कर रहे हैं, लेट्स सी क्या बनता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, ना चले कमेंट से बताना कैसे इंप्रूव किया जाए। बट आई थिंक सो कि मैंने आपकी सारी की सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। सो वीडियो को लाइक करके जाना भाई, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस स्टे ट्यून, देखते रहिए। तब तक के लिए प्राइस की अगर बात कर लीजिए, मैंने आपको स्टार्ट पे बता दिया कि 30 से 40 हज़ार के अराउंड आने वाला है। सो भाई thank you.